जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ब्राह्मणवाद के ऊपर। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वह सिस्टम है जो आज पूरे भारत को अपने जकड़ से कसे हुआ है। हम कोई भी काम ब्राह्मण को पूछे बिना नहीं करना चाहते या चाहकर भी उसके बिना कर नहीं पाते। हमें हर काम में कर्मकांड करने की ही पड़ती है। नैतिकता पड़े चली गई, मात्र ढकोसले ही धर्म का स्थान ले चुके हैं। रात रात भर ढोल नगाड़े पीट पीट कर चिल्लाने को हम सत्संग कहने लग गए हैं। श्राद्धों में गाय और ब्राह्मण को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं तथा उन्हें खीर पूरी खिलाते हैं ताकि हमारे मृत पूर्वजों को खाना मिल जाए। चांद पर रॉकेट भेजना हो तो भी पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं ताकि रॉकेट सही दिशा में जाए। विज्ञान में MSc करने वाला छात्र भी परीक्षा देने जाते समय मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर जाता है, उसके अच्छे अंक आए, यही ब्राह्मणवाद है। एक और वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारी दुनिया एक परिवार का नारा लगाते हैं, मगर अपने ही धर्म का भंगी अगर छू जाए तो ब्राह्मण जब तक गंगा जल से स्नान न कर ले अशुद्ध ही रहता है। एक ओर विश्व शांति की बातें की जाती है, दूसरी ओर जुए में हारी गई संपत्ति को वापस पाने के लिए की गई मार काट को धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है, यही ब्राह्मणवाद है। मानसिकता ही ब्राह्मण सर्वोच्च है। जो सोचते हैं लोग जो ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, ये मानसिकता जो है उसके बारे में देखते हैं। सदियों से भारत ब्राह्मणवाद से ग्रस्त और त्रस्त है। उसकी जड़ें कैंसर की तरह भारत के हर काम हर क्रियाकलाप में मौजूद हैं। सदियों से ब्राह्मण धर्मी यह प्रचार करते आ रहे हैं कि ब्राह्मण से बढ़कर कोई नहीं है। आज आलम यह है कि बहुत से काम ब्राह्मण के बिना किए नहीं जा सकते। उदाहरणतः शादी की रस्में ब्राह्मण के बिना कोई अन्य आदमी करवा ही नहीं सकता। किसी भी घाट पर ब्राह्मण के सिवाय कोई अन्य जाति वाला अपना डेरा नहीं लगा सकता। किसी भी मंदिर का पुरोहित ब्राह्मण के सिवाय अन्य जाति वाला नहीं मिलेगा। इन बातों को जायज मानना ही ब्राह्मणवाद है। किसी के दिमाग में यह विचार तक नहीं आता कि मंदिर का पुरोहित कोई ब्राह्मण व्यक्ति के अलावा भी हो सकता है। एक बनिया, एक ठाकुर, एक चमार कभी यह सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाता कि वह भी अपने मंदिर का पुरोहित बन जाए। अंततः सभी ब्राह्मण धर्मी इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि मात्र ब्राह्मण से ही ऐसे काम करने का हकदार है। यह मानसिकता ही ब्राह्मणवाद है। यह मानसिकता उस प्राणी को ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ मानने के लिए मजबूर करती है जिसने ब्राह्मण बाप के घर जन्म लिया। ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता से ग्रस्त लोग अन्य जातियों को उससे हीन मानते हैं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा निर्धारित कायदे कानून मानने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसी कारण ब्राह्मण द्वारा पूजनीय बताए गए बेटी भोगी ब्रह्मा को भी भगवान मान लेते हैं। कृष्ण जैसे लंपट अय्यास को भी भगवान मान लेते हैं और परशुराम जैसे हत्यारे को भी अवतार मान लेते हैं। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने का अर्थ यह मानना है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, कर्म से नहीं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और भांगी का बेटा भांगी ही बनेगा, चाहे उसमें कैसा भी गुण क्यों ना हो। गुण अथवा कर्मों की बजाय जन्म के आधार पर ही मनुष्य ऊंचे और नीचे होते हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तथा शेष सभी जाति उसे निम्न है। हर जाति केवल अपनी जाति का काम ही कर सकता है, यह मनुस्मृति में मनु ने आदेश के तौर पर लिखा है। और जो जाति के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, वह अपना जाति के अनुसार ही काम कर सकता है। जैसे में ब्राह्मण वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, यह सब ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का क्या काम है? तो ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण को दान देना, यज्ञ कराना और ब्राह्मण से पढ़ना। वैश्य का क्या काम है? ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण को दान देना, यज्ञ कराना, ब्राह्मण से वेद पढ़ना, व्यापार करना, खेती करना, ब्याज लेना। और शूद्र का एक ही काम है जो उपयुक्त तीनों जाति हैं, उसे चुपचाप सेवा करना। मनु ने आगे आदेश किया कि क्रमशः निजी जाति वाला लोग ऊपरी जाति का काम अपनाए तो राजा उसका सारा धन लेकर ब्राह्मण को दे दें और उस आदमी को देश से बाहर निकाल दें। यह मात्र कागजी आदेश नहीं था, इन्हें सख्ती से लागू भी किया गया था। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण की पुरताई को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। ब्राह्मणों ने अपने काम के साथ दूसरे के काम भी कर लिए, मगर दूसरी जाति वाले पुरताई की ओर झांक भी नहीं सके। ब्राह्मण द्रोण ने क्षत्रियों तक को हथियार चलाने तक की शिक्षा दी, लेकिन
क्षत्रिय विश्वामित्र पुरोहित नहीं बन पाए। पशुपालन वैश्यों का काम था, मगर ब्राह्मण ऋषियों ने दुनिया भर के पशु पाले और खाए भी, लेकिन कोई भी वैश्य ऋषि बनकर आश्रम नहीं खोल पाया। यही है ब्राह्मणवाद। आज भी भारत के समस्त मंदिरों में ब्राह्मण ही पुरोहित है। यहाँ तक कि भारत के गैर ब्राह्मणिक धर्मों जैसे ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम आदि में भी धर्म परिवर्तित किए ब्राह्मणों का ही बोलबाला है। मात्र ब्राह्मण ही पठन पाठन करेगा। ब्राह्मणों ने पढ़ने पढ़ाने का काम अपने तक सीमित रखा। आम तौर पर लोग यह कह देते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने पढ़ा अपने तक ही सीमित की तो किसी का क्या नुकसान हो गया। लेकिन विदेश से आए ब्राह्मणों की पूरी भारतीय समाज के विरुद्ध यह बहुत बड़ी साजिश थी। उनका यह ठंडे और शैतानी दिमाग में रचा गया षड्यंत्र था कि समस्त भारतीय समाज को अपने चंगुल में किस प्रकार से फंसा कर रखा जाए। इस विषय पर माननीय ज्योतिबा फूले की कविता एकदम सटीक है। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई नीति, नीति बिन गई गति, गति बिन गई बीत, और बीत बिना चरमराय शूद्र, एक अविद्या के इतने अनर्थ। इसका मतलब है कि विद्या अगर नहीं है तो मति काम नहीं करेगा, यानी कि दिमाग उसका काम नहीं करेगा। और जिसके पास दिमाग नहीं है वो रणनीति नहीं बना सकता, और जिसके पास रणनीति नहीं है वो गति नहीं कर सकता, यानी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो आगे नहीं बढ़ सकता उसके पास धन संपत्ति नहीं हो सकती, और जिसके पास धन संपत्ति नहीं है जिसके वजह से शूद्र आज बहुत ज़्यादा गरीब हैं। एक विद्या के वजह से इतने सारे अनर्थ होते हैं, ये ज्योतिबा फूले ने कहा था। तो आपने देखा, एक ब्राह्मणवाद की वजह से हमारा अपना जीवन ही नहीं, हमारा अपना जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरा देश डगमगाए हुआ है। एक ब्राह्मणवाद की वजह से हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इसका एक ही उपाय है, पढ़ो, समझो, तर्क करो। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।